एमआरआई कराने के बाद शोर से अचानक से टिनाइटिस शुरू हो गया। आइए सुनते हैं लोकेश का फीडबैक। जी, आप ये कहाँ के रहने वाले हैं और टिनाइटिस की प्रॉब्लम थी, कब से थी, कैसे हमारे बारे में पता चला, क्या समस्या आपको होती थी सर? मेरे को 2020 फरवरी महीने से स्टार्ट हुआ है। ओके, फरवरी महीने से स्टार्ट हुआ। इसके बाद मैं यूट्यूब में सर्च करता था, यूट्यूब पे सर्च करता था। ओके, तभी आपका एड्रेस मिला। इसके बाद मैं आपको कांटेक्ट ऑनलाइन में कांटेक्ट किया। बाद में तुम्हारा वो थेरेपी स्टार्ट हो। ओके, तो आपको ये जैसे अचानक से कैसे शुरुआत हो गया इस प्रॉब्लम का, टिनाइटिस का? मैडम, मेरे को वो बैक पेन था पहले, वो बैक पेन। ओके, एमआरआई करवाया। एमआरआई करवाने के बाद में मेरे को एक महीने का बाद समस्या स्टार्ट हो। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? बेंगलुरु मैडम, बेंगलुरु सिटी मैडम। ओके, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट हमारा ले रहे हैं, हम दिल्ली में हैं और आप बेंगलोर में हैं, पता नहीं कैसे होगा, क्या मतलब आपको कैसे भरोसा आया हमारे ट्रीटमेंट के लिए? बहुत हमें यूट्यूब पे बहुत सारा आपका वीडियो इसका क्या फीडबैक देखा मैं, फीडबैक बहुत सारा फीडबैक दिया ना, इसका भरोसा आया मैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। कर सकता मेरे को ये ठीक हो सकता करके भरोसा आया हमें, तो आपको कॉल किया। ठीक है, तो सर आपका जो असेसमेंट हुआ था उसके बाद आपको कैसे गाइड किया गया कि मतलब आपकी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई थी? जो असेसमेंट रिपोर्ट हमने आपका ऑनलाइन टेस्ट किया था, आपको भेजा था, तो आपको उससे समझ में आ गया कि क्या मुझे प्रॉब्लम है, क्या लेवल है मेरे प्रॉब्लम का? वो सब डॉक्टर ने उधर से बताया मैडम, 20 dB क्या के बोला था मेरे को। हाँ, वो हिसाब से मैं लेता था। लेने के बाद में धीरे धीरे थोड़ा कम हो के, पहले बहुत तेज आवाज आती थी। अच्छा, क्या दिक्कत होती थी उससे आपको? वो सीटी बजा जैसा बहुत, दोनों कान में भी जोर से तेज आवाज आती थी। तभी मेरे को काम नहीं कर पाता था, सो नहीं पाता था, कंसंट्रेशन पूरा हो गया था, भरोसे चला गया था मैडम, हमारा लाइफ में ऐसा हो गया था। ओके, तो लोकेश जी अभी आपको कितना परसेंट आराम है? लेफ्ट कान में मेरे को 70% तक, 70-75% तक का है मैडम, राइट कान में 80%। ओके, बहुत अच्छी 70-80 बहुत अच्छी बात है। सर ये आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए टिनाइटिस के बारे में सबसे पहले जो लोग होते हैं वो नेट पे पढ़ते हैं और हर जगह लिखा हुआ है इसका कोई क्योर नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उससे लोगों में नेगेटिविटी आ जाती है। क्या आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? और गूगल पे और इसका दूसरे इसमें देखे ना, वो नेगेटिविटी बहुत है। हमारे को आपका ऊपर भरोसा कैसा आया करके, वो थेरेपी ले लेके मेरे को थोड़ा ठीक हुआ ना, इसका उसका हमें भरोसा है। और लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, वो ENT का डॉक्टर का पास इसका इलाज नहीं है, वो दवाई क्या की वो विटामिन का क्या क्या की दवाई देता, दवाई दिया तो भी क्या भी वो काम नहीं करता। आपका डिवाइस तो बहुत बढ़िया डिवाइस है, अच्छा है डिवाइस, वो लगाने का बाद तो धीरे धीरे कम होता, कंसंट्रेशन में वापस आया मेरा, जीवन में थोड़ा एक होप मिला मेरे डिवाइस का हिसाब से। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप बहुत तरक्की करें सर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, इसलिए हमने ये डिवाइस ये ट्रीटमेंट इनोवेट किया है, इंडिया में ही किया अच्छा, है। अच्छा मैडम, अच्छा इनोवेशन मैडम, आपका डिवाइस बहुत अच्छा इनोवेशन, सबसे बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट थिंग, क्या मैं ये फीडबैक आपका अवेयरनेस लोगों के लिए डाल सकती हूँ ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी जो नेगेटिव सोच हो गई है, क्योंकि कम उम्र के बच्चे भी इस प्रॉब्लम से अभी ग्रसित हैं, 14 साल से 90 साल। यस मैडम, आजकल बहुत 20 साल 25 साल इसका वो स्टार्ट हो रहा है, ये उम्र में भी स्टार्ट हो रहा है आजकल, बहुत बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है मैडम, आगे तो बहुत इसका वास्ते डॉक्टर स्पेक्ट्रा से आप जो है लोग डॉक्टर स्पेक्ट्रा से कांटेक्ट करना, इसका बाद में इलाज उधर ही मिलेगा, इधर भी नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच सर, क्या मैं आपका ये फीडबैक डाल सकती हूँ सर? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर अपना फीडबैक देने के लिए। बचा हुआ रिलीफ हम कंटिन्यू रखेंगे अभी, और जब आप पूरी तरह 100% ठीक हो जाएंगे फिर हम एक फीडबैक लेंगे। ओके मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू।